ये तो मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो मेरी पत्नी है। क्या नाम है? निक्की है। हाँ निक्की है नाम इनका। इनका तो मेरा तो केस भी चल रहा है अभी कोर्ट में। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में उस समय माहौल गर्मा गया जब दो व्यक्ति एक ही महिला को अपनी अपनी पत्नी बताते हुए आपस में उलझ गए। जब महिला की तस्वीरों का मिलान किया गया तो दोनों की पत्नी एक ही निकली। इसके बाद दोनों के होश उड़ गए, जिसके बाद दोनों ने धोखे का शिकार होने का एहसास करते हुए एक दूसरे को अपनी आप बीती बताई, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वो एक धोखेबाज दुल्हन व उनके साथियों का शिकार हुए हैं। अब दोनों पतियों ने मिलकर धोखेबाज दुल्हन और उसके साथियों को जेल पहुंचाने की बात कही है। मेरा नाम अजेंद्र है और समस्या ये है सर, मेरी शादी हुई थी 2023 में जून में, 1 जून को। अब मुझे शादी के 20 दिन बाद पता चला कि इसका एक 12 साल का बच्चा भी है पहली शादी से। तो मैंने इसको इससे पूछा तो इसने मेरे इसको मना कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है। इसने मुझे से झूठ बोल के भी शादी की है, धोखे से फंसाया मुझको। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने, इसकी बहन, इसका जीजा और बुआ का लड़का, घरवाली, उसकी पोती, पोता, ये सब शादी में सम्मिलित थे। इन्होंने झूठ बोल के तथ्य छुपा के मुझसे शादी की। और अब ये इनका जो है गैंग है, ये पैसा लूटते हैं, आदमियों को फंसाते हैं, मुकदमे दर्ज कराने की वो देते हैं धमकियाँ, मारने की धमकियाँ देते हैं और फिर ये उनसे पैसा लेते हैं। सर मेरा नाम अमित है, मुझे समस्या ये है कि मेरी शादी हुई थी 2011 में। ये मेरी मैडम है निक्की, मेरी धर्मपत्नी। ये फ्रॉड करती है, ये दूसरों के साथ शादी करती है, फ्रॉड करती है, ये फ्रॉड है। इनका ग्रोह है पूरा, इनकी बुआ, इनकी बहन, इनके भाई, जो बुआ का लड़का है वो भी इनमें शामिल है। इनका पूरा ग्रोह है, ये फंसाते हैं दूसरे को। और जी ये मैंने अभी पकड़ा था मेरा साडू, जो इनके साथ नाजायज संबंध है, नीटू नाम है उनका, इनके जीजा है वो, और एक लड़का है जटवाड़े का, जो नाम उसका नाम मेरे याद नहीं है, उसके साथ भी इसके गलत नाजायज संबंध है। और जी मैं चाहता हूँ न्यायालय से कि मुझे मेरा वो मिले, इंसाफ मिले मुझे, और मेरा बच्चा है एक 13 साल का जो इसके कस्टडी में दिया था कोर्ट ने, और वो इसने बच्चा किसी और को दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ न्यायालय मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मैं सिर्फ इतनी विनती चाहता हूँ, मेरे कृपया करें मेरा बच्चा मुझे दिलाएं और इससे पन्ना छुटवाएं मेरे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।